हमेशा गुस्से में क्यों रहती है? पूनम थोड़ी देर चुप रहेगी? ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आज मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। आदिया कोई नई बात है क्या? छोड़ ना, जाने दे, तू यही खड़ी रहना। तुझे क्या लगता है, तूने मुझे डांट दिया तो मैं डर जाऊंगा? तू देख रही है ना मेरे साथ कौन कौन है, अब बता। अरे भाई, ये वही लड़की है क्या जिसने तुम्हें मारा था? एकदम आइस कैंडी की तरह दिखती है। ओ अच्छा, ऐसा क्या? ये तुम लोगों ने किया, तुम ही देखो। अरे रुक ना भाई। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। ऐसे घूर क्या रहा है? आंखें निकालूंगी तेरी। ए रुक, अबे छोड़ ना उसे, अबे जाने दे। ये तो गया काम से। हे आद्या, देखो झगड़े की शुरुआत तुमने की थी, ये ठीक नहीं है। हाँ क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर रही हो? रुक ना उसे, हम तक आए। रुक जा, आज मैं तुझे छोडूंगी नहीं। रुक, मैं बोल रही हूँ ना, रुक जा। भाग जा, आद्या। रुक जा, कहाँ जाएगा तू बच के? आज मैं तुझे छोडूंगी नहीं। काम करने की बजाय यहाँ बैठे बैठे हंस क्यों रहे हो? मुझे बाद में डांटिएगा अपनी बेटी को, देखिए। लाओ दिखा मुझे। ये देखिए, कॉलेज में लड़कों को मार रही है। हेलो, हाँ सर, एक मिनट सर, देता हूँ। ये लीजिए फोन है, प्रिंसिपल का है। हेलो, छी छी, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, बड़े शर्म की बात है हमारे कॉलेज के लिए। ए, दूसरी साइड घूम, वरना तेरी ये आंख भी वैसी ही कर दूंगी। देखो तो जरा, प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ के भी कैसे जबान चला रही है, शर्म नहीं है बिल्कुल? ए, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई इससे मार खाने में? पिट के आ गया इससे, छी, अपने बाप पे गया है बिल्कुल। इसने कर मारा। देखिए, ये एक कॉलेज है, कोई गली मोहल्ले का सब्जी मार्केट नहीं है। ये चिल्लाना है, झगड़ा करना है तो ऑफिस के बाहर जाइए आप लोग। सर। हाँ आइए माया जी। वाह, क्या शानदार परवरिश की है अपनी बेटी की। देखो कैसे मारा है इसे, इतना भी नहीं सोचा कि क्लासमेट है उसका। क्या बात है सर, एक माँ होने के नाते आपको इतना भी नहीं पता बेटी को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है? क्या बहन जी, बेटी को कैसे कंट्रोल करना है आपको पता नहीं है क्या? प्लीज शांत हो जाइए, आप अपने बेटे की गलती पर पर्दा डाल रहे हैं और बेचारी इस बच्ची को बोले जा रहे हैं। आपके बेटे ने होशियारी दिखाने की कोशिश की, इसीलिए बच्चे ने उसका मुंह तोड़ दिया। तुम जैसे लोगों की वजह से कॉलेज का नाम खराब होता है। तुम्हें ना, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, तभी अकल ठिकाने आएगी। सर प्लीज सर, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए सर। ये सच है कि इन्होंने गलती की है, पर फिर भी इन्हें निकालिए मत सर, इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा सर। इसने जो गलती की है माया, इसके बारे में मैं इसे समझाऊंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। प्लीज सर। ओके ओके, इस बार मैं माया के कहने पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ भी दोबारा हुआ तो सीधा सस्पेंड कर दूंगा, और उस समय मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, समझ गए? जाइए आप लोग। थैंक यू सर। अरे बाप रे, आज लेट हो गया, आज तो मेरी खैर नहीं। अरे पागल है क्या? सॉरी माय। आओ माया बैठो। आदिया तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें तब तक चैन नहीं आता जब तक कि तुम रोज किसी से लड़ नहीं लेती। क्या तुम अच्छे से नहीं रह सकती? अच्छा, पर मैंने ऐसा क्या किया माया? आज सुबह कैफे में झगड़ा कर चुकी हो, पूरा काम चौपट किया, और अब कॉलेज में इस तरह लड़कों के साथ लड़ाई करके तुम अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रही हो। अब मैंने जानबूझकर ये सब थोड़ी ना किया माया। जस्ट शट अप, तुम अब बच्ची नहीं हो, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? क्यों इमोशनल हो रही हो माया? मुझे कुछ नहीं हो सकता है, आखिर मैं बेटी किसकी हूँ? जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ मैं, इसीलिए तो कह रही हूँ। देखो, जब तुम छोटी बच्ची थी तभी मैंने तुम्हारे पिता को खो दिया था। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने में मैंने काफी मुश्किलें सही है, काफी बुरे दिन देखे हैं, और उन दिनों में सबसे लड़ने के लिए मैं बिल्कुल अकेली थी। उन दिनों से लेकर आज तक कितनी परेशानी झेलते हुए न जाने कितने शहर तुमको साथ लेकर भटकती रही। तो मतलब
आप भी मुझसे यही उम्मीद करती हो कि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह यंग एज में शादी कर लूं। मुझे मेरे हिसाब से जीने दो माया, तुम मुझे डराने और धमकाने की कोशिश मत करो। और हाँ, खाली टाइम में मैं जाके कैफे में बैठूं ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि मैं लड़की हूँ तो मुझे सब कुछ सहन करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ ब्रेक। अब मुझसे ऐसी मिस्टेक नहीं होगी माया, आई एम सॉरी। देखो मैं भी नहीं खाऊंगी फिर। हाँ माया, माया क्या मुझसे अभी तक नाराज हो? मैंने कहा ना अब ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। प्लीज माया बात करो। देखो माया, मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रही हूँ ये सब छोड़ो और मुझसे बात करो, वरना तुम मेरा गुस्सा अच्छे से जानती हो। मैं तुमसे इतने देर से बात करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम बिल्कुल शांत हो। मैं इतनी बेकार हूँ क्या? मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है? अगर एक बार माफ कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? अब जब तक मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं सॉरी कहती रहूंगी। सॉरी 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 सॉरी। ओके 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 ओके, बस करो बस करो। सॉरी तुम आद्या, क्या फिर से कोई डरावना सपना देखा? माया, फिर से वही सपना। इसलिए कहती हूँ देर रात तक हॉरर फिल्म मत देखा करो। चलो अब सो जाओ। Electric charge of a body is quantized and this means that only integral Madam, number... Yes? आद्या को प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है। आद्या, खड़े हो जाओ। आज तो गई है। अब क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों बुलाया है? मुझे कैसे पता? अरे जल्दी करो, लंच का टाइम हो रहा है। हाँ सर, आती हूँ। बिल्कुल, may I come in, sir? आद्या, आ जाओ अंदर, आ जाओ। आ जाओ आद्या, लंच कर लिया? हाँ सर। सर क्या आपने मुझे बुलाया था? अरे बैठो बैठो, आराम से बैठो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा बैठो तो सही। थैंक यू। हाँ सर। बैठो। मैडम, ये है आद्या, हमारे कॉलेज की बहुत ही होनहार, ब्राइट और बोल्ड स्टूडेंट है ये। हेलो आद्या। हेलो। इनफैक्ट हर साल क्लास में टॉप करती है। ये सब कल माया के सामने कहा था तो इतना बड़ा ड्रामा नहीं करती। आद्या। सर। मालती शर्मा है ये, महिला शक्ति के लिए काम करती है। बैंगलोर से केवल तुम्हारे इंटरव्यू के लिए आई है बेटा। तुमने नोटिस किया तुम कितनी जल्दी फेमस हो गई लोगों के बीच में? इंटरव्यू, वो भी मेरा? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? आद्या, तुम्हारे कॉलेज का इंसिडेंट का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है। हाँ तो? तो बस तुम्हारे ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। ये इंटरव्यू वगैरह माया को पसंद नहीं आएगा, अगर माया को पता चलेगा माया तो। माया की फिक्र मत करो, उनसे क्या कहना है वो मैं देख लूंगा। तुम बस इनके सवालों का जवाब दो। आप इसी से पूछिए मैडम, ये जवाब देगी। ओके फाइनली। आद्या, अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। मेरा नाम आद्या है, मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम की स्टूडेंट हूँ। मेरा घर बेलपाड़ी में है। वो सब मुझे पता है, अपने फैमिली के बारे में बताओ। माया और मैं, बीच साइड में हमारा एक छोटा सा कैफे है। बट ये माया, सॉरी,
माया मेरी माँ का नाम है। मैंने उन्हें कभी भी माँ कहकर नहीं बुलाया, हमेशा नाम से ही बुलाती हूँ। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओह इंटरेस्टिंग। सॉरी बट योर डैडी? मैं छोटी थी तभी वो हमसे दूर चले गए, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो नहीं है, क्योंकि माया ने मुझे दोनों का प्यार दिया है। वो मेरी हरकतों को, मेरी शरारतों को सब कुछ सहन करती रहती है। शी इज अ कंप्लीट लेडी। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसका एक ही रीजन है। ओह दैट्स ग्रेट। तो फिर माया को भी बुलाते हैं ना, उसका भी इंटरव्यू कर लेते हैं। क्या माया? नहीं नहीं मैडम, मैं इंटरव्यू के लिए इसलिए रेडी हुई क्योंकि इससे हेल्प हो जाएगी। माया को पता चला तो मैं गई। मैंने कहा ना, माया से मैं बात कर लूंगा, तुम चिंता छोड़ो उसकी। नहीं सर प्लीज माया। ओके, कम से कम हमें उसका एक फोटो तो दे दो। हम पेपर में ये छापेंगे कि तुम उसकी बेटी हो और उनके लिए ये एक सरप्राइज होगा। एंड शी विल बी प्राउड ऑफ यू। एक मिनट। कोई बात नहीं, फोन यूज कर सकती हो। ओके सर। एक भी डंकी पिक्चर नहीं है। बस एक मिनट। ये लीजिए। कोई रीसेंट फोटो नहीं मैडम, मेरे पास बस यही है मैडम। आपको चाहिए तो रखिए वरना ये मुझे वापस दे दीजिए। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ओके लेट्स कंटिन्यू। साना तुम घर नहीं जाओगी क्या? या जस्ट 2 मिनट्स। ओके। ऑलराइट सी यू टुमारो। गुड नाइट सी यू टुमारो। अभी तक नहीं सोई क्या? मैं जाग रही हूँ, तुम सो जाओ।